सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाले फूड के लिस्ट में डोसा सेकंड नंबर पे है। आइए आज देखते हैं कि डोसा, इडली, चटनी, सांभर ये सब कैसे घर में बनाया जा सकता है। सबसे पहले इसके बैटर के लिए 1:2 रेशियो पे दाल और चावल ले लेते हैं। उड़द के दाल चाहिए और नॉर्मल बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं आप। इसको पानी में सोक करने के लिए रख देंगे लगभग 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसे नमक और थोड़ी सी सोडा मिलाकर पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी पानी मिलाएंगे क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी लगभग रनी चाहिए इस तरह के। देखिए लगभग फैल रहा है, जितना चाहिए उस चीज़ को बारी बारी में पीस के हम एक कंटेनर में रख देंगे 24 घंटे के लिए। टाइम है बनाने का सांभर। हम इसमें ले लेंगे बैगन, कद्दू, प्याज, टमाटर, झींगा और दाल। हम इसमें लेंगे तूर की दाल या अरहर जिसे कहते हैं, थोड़ी सी नमक और हल्दी मिला लेंगे और जो भी सब्जियां हैं खासकर कद्दू, बैगन, रिज गॉड जो है वो भी ले लेंगे। लेके उसे स्टीम में रखेंगे 2 सीटी के लिए। इसके छौंक के लिए हम ले लेंगे टमाटर, प्याज, सरसों के दाने, लाल मिर्च, करी पत्ता, हींग, इमली की जूस, सांभर मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। 2 सीटी के बाद हम इसके छौंक तैयार करेंगे। नॉर्मल तेल, सादा कोई भी तेल ले सकते हैं। सरसों के दाने जब तक क्रैक ना हो जाए तब तक वेट करेंगे और लाल मिर्च डाल देंगे छौंक के लिए। इसके बाद करी पत्ता, नेक्स्ट हींग, प्याज जाएगा नेक्स्ट। हमको इसे बहुत ज़्यादा हार्ड तलना नहीं है, डीप फ्राई नहीं करनी है। प्याज का स्वीटनेस बरकरार रहे ये कोशिश की जाएगी। दे देंगे टमाटर। टमाटर मोटा मोटा ही काटेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। नमक और हल्दी जाएगा, थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा शुगर ऐड करेंगे यहाँ। या कश्मीरी मिर्च डालेंगे बेसिकली। एंड जाएगा सांभर मसाला और फिर इमली की जूस। अब बारी है जो भी दाल, बॉयल किए हुए दाल और सब्जी को ऐड करने का। बहुत अच्छा खुशबू निकलता है इस समय में। हम पानी ऐड करेंगे थोड़ी सी, जितनी हमें ज़रूरत है। इसकी भी एक स्पेशल कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। हम इसमें फिर से ऊपर से थोड़ी सी सांभर पाउडर डालेंगे। गार्निश के लिए डालेंगे करी पत्ता और इसको थोड़ा सा रिच बनाने के लिए लिटिल बिट घी। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। अब टाइम है मसाला डोसा का मसाला बनाने का। थोड़ी सी तेल गरम करेंगे और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च डालेंगे और डालेंगे जीरा और सरसों दोनों एक साथ। प्याज डाल देंगे, 2 तरह के दाल डालेंगे, चना और उड़द की दाल साबुत 2 चम्मच करके। करी पत्ता जाएगा, उबले हुए आलू जाएंगे, इसके बाद जाएंगे हल्दी पाउडर और नमक। ये बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और सांभर पाउडर, इसमें भी सांभर पाउडर डालेंगे ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो। थोड़ा पानी डाल के सारे मसालों को मिल जाने का अवसर देंगे। अंत में नींबू और धनिया पत्ता डाल के गार्निश करेंगे।
मसाला तैयार है डोसे के अंदर में जाने के लिए। आइए बना लेते हैं इसकी चटनी। एक कटोरी ग्रेटेड कोकोनट, चना दाल, पीनट्स, थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च, हम यहाँ पे लाल मिर्च लिए हैं, और इसे पीस लेंगे। और इसके छौंक के लिए हम सरसों के दाने, करी पत्ता और सूखी मिर्च से इसकी टेम्परिंग कर देंगे। इसकी बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार है। देखिए ये बैटर किस तरह से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब बारी है इडली बनाने की। एक कटोरी में बैटर ले लेंगे और थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई पानी नहीं मिलाना है, और फिर इसे इडली मेकर में डाल देंगे कुछ इस तरह से। डोसा बनाने के लिए हम थोड़ी सी इसको रनी और बनाएंगे, क्योंकि इडली थोड़ी सी स्टिफ चाहिए था कंपेयर टू डोसा। डोसा थोड़ा सा रनी होना चाहिए। तवा गरम करके उसका हल्का सा तेल लेंगे और बैटर को कुछ इस ढंग से फैला देंगे। ऊपर से थोड़ी सी तेल डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई होने लगे। आपको ऊपर से फ्राई हुआ नहीं हुआ पता चलेगा, आप नीचे से देख भी सकते हैं ऐसे थोड़े से उठाकर। ऊपर से देखिए कलर ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज द क्रिस्पी थिंग वी नीडेड। अब बनाएंगे एक मसाला डोसा। डोसा के अंदर थोड़ा सा मसाला, आलू की जो सब्जी है उसको डालकर, सेम वे पहले इसको डोसा को स्प्रेड कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। लगभग जब होने को रहेगा उस समय हम इसे इस तरह से फैला के फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से कुक हुआ है। तैयार है हमारा मसाला डोसा प्लस पेपर डोसा। और देखते हैं इडली कहां तक बनी है। लगभग 15 मिनट स्टीम करने के बाद इडली मेकर में आप देखिएगा ये पफ्ड अप हो चुका है और एकदम बेहतरीन उठ के आता है। This is absolutely soft and firm at the same time. Idli, dosa, chutney, sambar. Life mein aur kya chahiye? Ye raha second most ordered food. First most ordered food kya hai janne ke liye? सब्सक्राइब कीजिए। जानते होंगे इस चीज को हम लोग फिर से बनाएंगे इस रेसिपी को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे ठीक टाइम पे। रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।